पहली बार चार रन बहुत बढ़िया बॉलिंग नजर पाले अपनी वापसी के द्वारा उनका जगह लेने आए कमला बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फील्डर पिंक के द्वारा बहुत ही बड़े साथ यहाँ पर काना के द्वारा छाड़ दिला मिस फील्ड कट्टा बोलो खेल पूरा एक रख छोटा रन विन विकेट बहुत ही बढ़िया बॉलिंग वहां पर मधुर पाले द्वारा बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पर तीन ओवर सवाल के बाद टीम का फोन को 13 रन और मुदल झुकी अपने मेडन विकेट के ड्रैग
बड़े और इतनी अच्छी बैटर फील्डिंग की बंटी के द्वारा बहुत ही बड़ा बॉलिंग यहाँ पर मिकू के द्वारा चार ओवर समाप्त के बाद टीम इंग्लैंड का स्कोर 19 रन ऑलराउंडर पहली गेंद अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से चार रन बचाते हुए पांडे काफी छोटी गेंद ओवर के लिए पहला खतरा आता हुआ इस बार दिशा से बच्चे ऑफसाइड से काफी बाहर वाइड का इशारा एक रन अतिरिक्त मिलता हुआ पैरों पे गेंद थी हल्के हाथों से ठीक किया था फील्डर मौजूद है यहाँ पर झाड़ी फील्डर गेंद जोड़कर ही कोई मौका नहीं फील्डर के पास गेंद गई सीधा रेखा के बाहर चौके के लिए फील्डर कूद के जाता था 24 रनों पर पहले बल्लेबाजी करते हुए और झाड़ू बिल्कुल अच्छा कैच पकड़ते हुए अगला बल्लेबाज अरशद पिंकू का पहली गेंद बिल्कुल पैरों पे गेंद सीधे पहले से गेंद को ड्राइव किया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकते हुए पिंकू रन लेने का कोई मौका नहीं दो रन गेंद के साथ ओवर की समाप्ति खेलो तीन ओवर और खेलो तीन में 30 होगा फैन माने जाते फील्डर झाड़ू जो कि फाइनल ओवर फील्डिंग करते हैं अच्छा शॉट बिल्कुल पैरों पर गेंद थी जोर से मारने का कोई प्रयास नहीं गेंद को बस क्लिक कर दिया चार रनों के लिए कीपर और फाइनल के फील्डर के बीच 20 रन गेंद गई चार रनों के लिए आगे निकल के कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं लालू के द्वारा तीसरी गेंद डॉट गेंद फिर से छोटी गेंद स्क्वायर करने का प्रयास गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं अच्छी विकेट की थी सीजन के द्वारा इस बार ऑफ कटल गेंद थी पर नहीं पाई गेंदबाज को बल्लेबाज दूसरी ऊपर की गेंद सीधे बल्ले से खेला अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकते हुए लालू छठे ओवर की समाप्ति डॉट गेंद के साथ करते हुए लालू समाप्ति पर 28 रन और सब सामना करेंगे पिंकू का पहली गेंद करना प्यार लालू बिल्कुल आसान से फील्डिंग करते हुए थोड़े से लाखों से फिर से छोटी गेंद इस बार दिशा से फटके और साइड के काफी बाहर वाइड का इशारा एक रन मिलता है अपेक्ष रूप में Thank you.
अच्छा शॉट हल्के आते टॉप के आसानी से रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। अच्छा तालमेल दोनों के बीच में फिर से लगाने के टॉप के अगले तरफ से गेंद को रोकते हुए टीम को कोई गड़बड़ी नहीं। आगे निकल के ठीक करते हैं गोल दोनों फील्डर के बीच बीच चार रनों के लिए ऑफसाइड के बल्ले से आता है करारा प्रहार से घर में दूसरा चौका लगातार पिंकू को ओवर की आखिरी गेंद फिर से फ्लिक कर दिया फील्डर नागो नीको चार रन बचाते हैं टीम के लिए। अंशुमान ओवर की समाप्ति मैं पूरे ओवर की समाप्ति सात ओवर की समाप्ति पर सात ओवर की समाप्ति में 44 रन आखिरी ओवर तेज गति से डालने हुई गेंद अपने थोड़े फिर में गेंद को रखते हुए और सदल तीन गोल कर दिया पांचवा झटका लगते हुए अगले बल्लेबाज सुनील सर पूरे राउरकेला में पहली गेंद ड्राइव किया एक रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। सुनील सर अपना अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए आखिरी के ओवर में तेज गति से डाली हुई गेंद अपने विचार से बीत देते हुए बल्लेबाज आखिरी के दो गेंद ओवर की बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं अच्छी गेंदबाजी आठवें ओवर की आखिरी गेंद निकू जोरदार हिट अच्छा फील्डिंग फील्डिंग में मेरा और रन आउट होता है सुनील सात ओवर में 46 रन बना पाइए अभी करते हैं 46 रन बनाए 48 गेंदों में 47 रनों की दरकार काशी लेवल को मैच जीतने के लिए। गेंदबाज पुष्पा प्रिंस झुकेगा नहीं पहली गेंद बिल्कुल फील्ड के ऊपर की गेंद थी ड्राइव कर दिया पैर की दिशा में चार रन के लिए चार रन से खाता खोलते हुए और पिछले मैच में पूरी तरह खुलास होने के बाद अच्छी रिकवरी पिंकू के द्वारा फिर से छोटी गेंद थी सर गेंद को दिशा दिखाया था धीमी गति से डाली हुई गेंद जगह बनाया और चार रन के लिए भेजा गेंद तो दो फील्डर के बीच में चार रन के लिए इधर दिशा से बढ़कर ऑफसाइड के काफी बाहर की गेंद वाइड का इशारा एक रन मिलता है अपनी ट्रिप में आशी इलेवन को नौ पर स्कोर पर पहुंचा टीम का कुल स्कोर ऊपर की गेंद बिल्कुल बॉलर के बाजू से खेल गया कोई मौका नहीं बॉलर और लेवन के फील्डर के पास चार रनों के लिए गई गेंद सीमा रेखा के पास 13 रन थोड़ा इंप्रोवाइज करके खेलना चाहते थे अच्छी गेंदबाजी फील्डर मौजूद थे काना दस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति पहले ओवर में 13 रन आशु इलेवन
बल्ले किसी नुकसान के 13 रन पहले ओवर की समाप्ति पर। दूसरा ओवर काना सामने रहेंगे बल्लेबाज शिवम। शिवम पे चलो थोड़ी सी समय ले अपना और बल्लेबाजी पर फोकस करें। शिवम पहली गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, फील्डर मौजूद अर्षद बैट गेंद पहली गेंद काना के द्वारा। धीमी गति से डाली गेंद पर फिर फायदा होता है। शिवम इस बार गेंद को खेल गया सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए जगह बना के खेलना चाहते थे, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, साथ ही साथ बल्लेबाज को भी जाना पड़ेगा पैर लेन में। छोटी गेंद से शुरुआत करते हुए कान्हा और गेंद को जाने जा विकेट कीपर कमला के दस्तानों में। पैरों पर गेंद की गेंद को दिशा दिखाया, जोर से मारने का कोई प्रयास नहीं, चार रनों के लिए गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस चौके के साथ टीम का कुछ कुछ जा पहुंचा 21 रनों पर। अगले गेंदबाज तीसरा ओवर लेके आएंगे अपने कोटे का पहला, टीम के लिए तीसरा पप्पू। क्या पप्पू अपनी टीम को विकेट दिला सकते हैं अभी इस ओवर में? बिल्कुल छोटी गेंद, गेंद को स्क्वायर कर दिया सिंगल पर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद को रोकने में नाकाम, गेंद की सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। यहाँ कोई भी रन नहीं होना था, वहां पर चार रन होते हुए फिर से जोरदार हिट चार रनों के लिए पिंकू के बल्ले से लगता है। पिछली पारी की पूरी रन बना के जाएंगे इस पारी में पिंकू। फिर से छोटी गेंद, गेंद को स्टेयर किया, हैट्रिक चौका आता है पिंकू के बल्ले से। इस ओवर में लगातार तीन गेंदों से तीन चौका बटोरते हुए पिंकू। सीधे बल्ले से खेला अर्षद मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं, तीन लगातार बाउंड्री के बाद पहला डॉट गेंद आता है। हल क्या बोले थे आप, क्या सिंगल लेना चाहते थे? मौजूद तो फील्डर सुनील सर, आखिरी गेंद से ओवर की और मात्र 14 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। हल क्या बोले गेंद को इंप्रोवाइज करके खेला फील्डर मौजूद है पॉइंट रीजन में। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पर 35 रन बचे हुए पांच ओवर, यानी कि 30 गेंदों में दरकार मात्र 14 रन। अनमोल रतन आसू मान के और पहली गेंद पर गेंद को स्टीयर कर दिया, चार रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर आसू लेवन का अनमोल रतन। अनमोल गेंद को दिशा दिखाया, पॉइंट पर फील्डर मौजूद और मात्र 10 रनों की दरकार। नुकसान के बाद की गेंद वाइड का इशारा, एक रन अपने ग्रुप में मिलता होगा और 9 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला अपने फलो थ्रो में गेंद को रखते हुए काना डॉट गेंद। जगह बना के दिशा दिखाना चाहते थे गेंद पर, बल्ले को कोई संपर्क नहीं। फिर से अपने दिशा से बच्चे इस बार लेफ्ट साइड के बाहर वाइड का इशारा, एक रन मिलता है अतिरिक्त। बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेला फील्डर मौजूद अर्षद अली। जोरदार हिट चार रनों के लिए और पक्ष से आंसू इलेवन, आंसू इलेवन के दो अनमोल रतन पिंकू उनके साथ है अनमोल। पहली गेंद पर मैच को समाप्त करते हुए पिंकू, पिछले मैच का पूरा रन इस मैच में बनाते हुए पिंकू। और इसके साथ और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करती हुई पहली टीम बनी आशू इलेवन सेमीफाइनल के लिए।